हाँ तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर का एक बेसिक सा टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि उर्दू ग्रामर को एकदम शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, तो मैं सोची कि उर्दू कवायद जो है ना वो स्टार्ट करूँगी, एकदम शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन जो उर्दू कवायद में उर्दू ग्रामर में जो बेसिक टॉपिक होता है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ। क्योंकि देखते हैं एक पेड़ का जड़ जितना ही ज़्यादा मजबूत रहता है उतना ही मजबूती से पेड़ खड़ा रहता है। तो अगर आप लोगों का बेसिक मजबूत रहेगा, जड़ मजबूत रहेगा ना, तो उर्दू ग्रामर में आगे जाकर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उर्दू ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है वाहिद जमा, उसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझिए कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं। ठीक, कवायद का मतलब होता है ग्रामर, इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर और हिंदी में कहते हैं व्याकरण। यानी कि जिस तरह आप इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, ताकि आप इंग्लिश को पढ़ सके, सीख सके, बोल सके, इसीलिए आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना। उसी तरह हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं जिसमें आप लोग हिंदी को सीखते हैं, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, कारक वगैरह। ठीक, मतलब हिंदी को सीखने के लिए आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। उसी तरह उर्दू को सीखने के लिए, कैसे उर्दू को लिखा जाए, बोला जाए और पढ़ा जाए, तो उर्दू को सीखने के लिए ना उर्दू कवायद पढ़ा जाता है। कवायद का मतलब ग्रामर बोलिए या फिर व्याकरण बोलिए, बात एक ही है। आप इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश कवायद भी बोल सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि कवायद, ग्रामर और व्याकरण तीनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो आप इंग्लिश कवायद बोलिए या फिर इंग्लिश ग्रामर बोलिए, बात एक ही है। आप उर्दू ग्रामर बोल सकते हैं या फिर उर्दू व्याकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू कवायद के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि उर्दू को किस तरह लिखा जाए, किस तरह पढ़ा जाए, उर्दू में मतलब उर्दू को किस तरह बोला जाए, ये सारा चीज़, मतलब उर्दू के लिए जो कायदा कानून होता है उसको हम उर्दू ग्रामर में सीखते हैं। ठीक है, तो उर्दू कवायद का बेसिक टॉपिक है वाहिद और जमा। चलिए इसको हम लोग सीख लेते हैं। वाहिद और जमा किसे कहते हैं? वाहिद जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और हिंदी में कहते हैं एक वचन। यानी कि कोई भी एक चीज़ के नाम को या फिर कोई भी एक सामान को, एक वस्तु को हम लोग कहते हैं एक वचन, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। यानी कि कोई भी एक सिंगल वस्तु, कोई भी एक सिंगल चीज़, एक अकेला सामान को क्या कहते हैं? सिंगुलर या फिर एक वचन, उसी को तो उर्दू में कहते हैं वाहिद। क्या आपको पता है कि इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है? तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वाहिद का मतलब होता है एक कोई भी चीज़ का नाम या फिर एक कोई भी सामान वाहिद कहलाता है। जैसे कि एक कलम, तो एक कलम क्या हो गया? ये वाहिद हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे सिंगुलर और हिंदी में क्या बोलेंगे? एक वचन। तो एक वचन बोलिए, सिंगुलर बोलिए और वाहिद बोलिए, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। बस यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज आ गया है वाहिद। वाहिद का मतलब कोई भी एक सामान, कोई भी एक चीज़ के नाम को वाहिद कहते हैं। तो एक कलम क्या हो गया आप लोगों का? वाहिद हो गया। एक आँख क्या हो गया? वाहिद हो गया। अब देखिए उसके बाद से आता है जमा। जमा किसे कहते हैं? जमा को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल और हिंदी में कहते हैं बहुवचन। और आप लोग जानते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा सामान को या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम को प्लूरल यानी कि बहुवचन कहते हैं। जैसे कि एक मार्कर था तो इसको आप बोल दे रहे थे वाहिद, ठीक, यानी कि सिंगुलर, एक वचन। लेकिन जब एक से ज़्यादा मार्कर हो गया, दो हो गया, तो अब आप इसको प्लूरल बोलेंगे यानी कि बहुवचन, और उसी को उर्दू में कहते हैं जमा। जमा बोलिए, प्लूरल बोलिए, फिर बहुवचन बोलिए, बात एक ही है, बस यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज है। ठीक, जमा यानी कि प्लूरल, बहुवचन। जमा उसे कहते हैं जब एक से ज़्यादा सामान हो। एक मार्कर था तो वाहिद और एक से ज़्यादा मार्कर हो गया तो जमा। एक आँख था तो वाहिद और एक से ज़्यादा, दो आँखें हो गई या फिर तीन चार हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? जमा बोलेंगे। ठीक है, अब उसी तरह देखिए एक वर्ड है मुसीबत। मुसीबत क्या है? मुसीबत। ठीक है, तो ये एक मुसीबत आई है तो क्या मुसीबत क्या हो गया? वाहिद। अगर एक मुसीबत है तो उसको वाहिद बोलेंगे। अब मुसीबत का जमा क्या होगा? एक मुसीबत है तो आप उसको वाहिद बोल दिए, ठीक है। अब मुसीबत का जमा यानी कि ढेर सारी मुसीबत आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में मुसीबतें बोलेंगे। मुसीबत का जमा बहुवचन प्लूरल क्या होगा? मुसीबतें हिंदी में। लेकिन क्या उर्दू में भी मुसीबत का जमा प्लूरल मुसीबतें होगा? जी नहीं, यहाँ पर ये उर्दू लैंग्वेज है, तो उर्दू लैंग्वेज में मुसीबत का जमा प्लूरल मुसीबतें नहीं होगा, बल्कि मुसीबत का जमा होगा मसाइब, याद रखिएगा। तो यही फ़र्क होता है हिंदी और उर्दू में। हिंदी में तो आप मुसीबत का जमा यानी कि प्लूरल बोल दे रहे थे मुसीबतें, लेकिन उर्दू में मुसीबत का जमा मुसीबतें नहीं होगा बल्कि मसाइब होगा। उसी तरह किताब है, किताब, किताब का हिंदी में क्या होगा जमा? किताब क्या है? एक वचन,
सिंगुलर वाहिद है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? जमा, तो किताबें हिंदी में हो जाएगा। लेकिन क्या उर्दू में किताब का किताबें होगा? जी नहीं, उर्दू में किताब का जमा होगा कुतुब। ठीक, तो इस तरह होता है। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं। दवा है, दवा को हिंदी में, दवा का प्लूरल होगा हिंदी में दवाएं, लेकिन क्या उर्दू में होगा? नहीं, दवा का उर्दू में जो है ना, दवा का उर्दू में जो जमा होता है वो होता है अदविया, याद रखिएगा अदविया। ठीक, दवा का दवाएं नहीं होगा, दवा का अदविया होगा। ठीक है, उसी तरह बोल सकते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ एक वर्ड को कहते हैं वाहिद। लफ्ज़ क्या हो गया? वाहिद हो गया। लफ्ज़ क्या हो गया? वाहिद हो गया। अब इसका जमा क्या होगा, मतलब प्लूरल वर्ड क्या होगा उर्दू में? उर्दू में हो जाएगा अल्फाज। ठीक है, लफ्ज़ का जमा अल्फाज, यानी कि लफ्ज़ मतलब एक तो लफ्ज़ एक वर्ड, तो क्या हो गया? वाहिद। लेकिन ढेर सारे लफ्ज़ हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फाज। अल्फाज का मतलब ढेर सारे लफ्ज़, तो अल्फाज क्या है? जमा हो गया। ठीक है, उसी तरह कायदा। कायदा, कायदा का मतलब होता है कानून, रूल और रेगुलेशन, नियम को ही कायदा कहते हैं। ठीक, तो कायदा हो गया आप लोगों का वाहिद। एक कायदा है, एक कानून है, तो उसको आप वाहिद बोल दिए। लेकिन वाहिद, ये जो कायदा है, कायदा का जमा क्या होगा, प्लूरल क्या होगा? आप लोग बोलेंगे हिंदी में तो कायदे हो जाएगा, लेकिन क्या उर्दू में कायदे होगा? नहीं। देखिए, कायदा का उर्दू में जमा होता है कवायद, याद रखिएगा कवायद, ये है आप लोग का कवायद। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, उर्दू कवायद लिखा है ना, तो ये जो कवायद है ये क्या है? एक प्लूरल वर्ड है, जमा है किसका? तो कायदा का, यानी कि कायदा से ही कवायद बना है, याद रखिएगा। कवायद का मतलब क्या? ढेर सारे कायदा, ढेर सारे कानून, नियम, रूल, रेगुलेशन आप बोल सकते हैं। किस चीज़ का? तो उर्दू का, यानी कि उर्दू को पढ़ने लिखने का जो नियम कायदा कानून है उसको हम लोग उर्दू कवायद के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं, उर्दू को पढ़ना सीख रहे हैं, मतलब उर्दू के नियम और कानून को सीख रहे हैं। उर्दू कवायद के अंदर हम क्या सीखते हैं कि उर्दू को पढ़ने लिखने का नियम और कानून। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? उर्दू का कानून ही नियम सीख रहे हैं कि मुसीबत का मुसीबतें नहीं होगा, मसायब होगा, ये क्या है? उर्दू का नियम है, ये कायदा है। ठीक है, किताब का किताबें नहीं होगा, कुतुब होगा, तो ये क्या है? उर्दू कवायद है। यानी कि उर्दू कवायद का मतलब क्या? उर्दू को सीखने के ढेर सारे नियम और कानून, जिसको पढ़कर आप उर्दू सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही आप लोग पढ़ लिए, तो वाहिद और जमा समझ में आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वाहिद जमा समझ में आ गया, वाहिद का मतलब सिंगुलर, जमा का मतलब प्लूरल। ठीक है, लेकिन हमें कोई एक ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे हम किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी वर्ड को उर्दू में वाहिद से जमा में कन्वर्ट कर पाए, यानी कि वाहिद से जमा बनाने का कोई हमें ट्रिक बता दीजिए। क्योंकि ये उर्दू जो है ना, ये बड़ा अजीब है, मुसीबत का मुसीबतें होना चाहिए तो मसायब हो जा रहा है, तो कोई तो ऐसा ट्रिक होगा, जैसे किताब का कुतुब हो जा रहा है, तो कोई तो ऐसा ट्रिक होगा वाहिद से जमा बनाने का उर्दू में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि उर्दू में वाहिद से जमा बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता है, आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि मुसीबत का मसायब, किताब का कुतुब, ये आप लोग को जिस तरह दवा का भी है, इस तरह आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इसीलिए 15 से 20 लफ्ज़ों को मैं तैयार की हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाहिद से जमा बनाकर तैयार की हूँ, उसको मैं आप लोग को, चलिए बोर्ड मिटाकर और सभी लफ्ज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, उसी को उठाकर मैं वाहिद से जमा बनाई हूँ, तो वो मैं बोर्ड मिटाकर और लिखकर आप लोग को समझाती हूँ। यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब आगे समझते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर ढेर सारे लफ्ज़ों को लिख दी हूँ वाहिद से जमा बनाकर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बना दी हूँ मैं, और ढेर सारे लफ्ज़ हैं, 15-20 से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, मसला, ये जितना भी ब्लैक कलर के मार्कर से जिन जिन लफ्ज़ों को लिखी हूँ ना, वो सब क्या है? वाहिद है, यानी कि सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है, ये सब वाहिद है, यानी कि सिंगुलर वर्ड है। और जो ब्लू कलर के मार्कर से लिखी हूँ वो वाहिद का जमा बनाया हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ड है। जो ब्लू कलर के मार्कर से लिखी हूँ ना, ये सब प्लूरल वर्ड है, यानी कि जमा बनाया हुआ है। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला वाहिद है, यानी कि एक वचन, इसका जमा प्लूरल क्या होगा? मसाइल हो जाएगा। मसला यानी कि एक कोई मसला है। ठीक है, अब उसका जमा क्या हो जाएगा? मसाइल। ठीक, उसी तरह सिर्फ क्या है? वाहिद है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? इसनाफ। सिर्फ मतलब कैटेगरी, एक कैटेगरी को आप सिर्फ बोलेंगे, लेकिन अब ढेर सारे कैटेगरी आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? इसनाफ। ठीक, इसनाफ मतलब ढेर सारे कैटेगरी, तो इसनाफ क्या हो गया? जमा, यानी कि प्लूरल। नसीहत, एक नसीहत तो वाहिद हो गया, और ढेर सारे नसीहत तो नसाए बोलेंगे, नसीहत का जमा क्या हो जाएगा? नसाए। ठीक, फ़िक्र का अफकार,
ठीक है, हर्फ का हरूफ, हर्फ क्या है, वाहिद है, और ढेर सारे हर्फ हैं तो उसको हरूफ आप बोलेंगे। हाल का, हाल क्या है, वाहिद है यानी कि सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल यानी कि जमा क्या होगा, अहवाल। हालत एक वाहिद है यानी कि सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल यानी कि जमा क्या होगा, हालात होगा। तारीख वाहिद है यानी कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल जमा क्या होगा, तवारीख। ज़िद का अजदाद, ज़िद क्या है, ज़िद का मतलब होता है उल्टा, उल्टे शब्द को बोलते हैं हम लोग ज़िद, ठीक है। तो ज़िद एक वाहिद है, एक ज़िद लफ्ज़ को बोलेंगे वाहिद, लेकिन एक से ज़्यादा उल्टा उल्टे शब्द हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अजदाद, ठीक है। तो जमा क्या हो गया, ज़िद का अजदाद। शर्त क्या है, वाहिद है यानी कि सिंगुलर वर्ड है, वाहिद है, इसका प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा शरायत, जमा शरायत, ठीक है। ख्याल एक वाहिद है, ख्यालात क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फ़ायदा वाहिद यानी कि सिंगुलर वर्ड, फ़वायद हो जाएगा प्लूरल वर्ड। तस्वीर क्या है, वाहिद यानी कि सिंगुलर, तस्वीर हो जाएगा क्या, प्लूरल, ठीक है। नबी का प्लूरल क्या होगा, जमा अंबियाए होगा। हदीस का जमा अहदीस, हरकत का जमा हरकात। खातून का जमा यानी कि प्लूरल क्या हो जाएगा, खवातीन। परिंदा वाहिद है, इसका जमा हो जाएगा परिंदगान, ठीक है। खत वाहिद यानी कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल यानी कि जमा हो जाएगा खतूत। सबब है, इसका जमा इसबाब। शायर है तो शोरा, ठीक, शोराए। और नतीजा है, एक वाहिद है यानी कि सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल यानी कि जमा हो जाएगा नतायज। ज़मीर का जमायर, जिस्म का अजसाम, मंजिल का मनाजिल। वली का जमा हो जाएगा औलियाए। मजमून का जमा मजामीन। शहीद का जमा शहदाए। क़ता का जमा क़तात। किस्म का जमा अकसाम। जज्बा का जमा क्या हो जाएगा, जज्बात। और ऐब का जमा अयूब। ये कुछ अल्फाज थे। अल्फाज का मतलब क्या, एक से ज़्यादा लफ्ज़, एक लफ्ज़ हो गया आप लोगों का वाहिद, और लफ्ज़ का जमा क्या होगा, प्लूरल अल्फाज। तो ये कुछ अल्फाज थे, ढेर सारे लफ्ज़ थे जिसको मैं वाहिद से जमा बनाई थी और आप लोगों को सारा चीज़ बता दी पढ़कर। तो आई थिंक ये वाहिद से जमा समझ में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना ही कराई हूँ तो इसी में से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा कोई भी लफ्ज़ उठा सकता है और उसका पूछ सकता है कि बताइए इसका जमा क्या होगा। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं और भी ढेर सारे वाहिद से बने हुए जमा लफ्ज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक। इतना फिर याद करने की क्या ज़रूरत है, एक बार आप बस माइंड में रख लेंगे मसला का मसाइल, हाँ ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा मसाइल तो टिक कर, इसमें याद करने वाली बात ही नहीं। एक बार बस आप बोला जाता है ना, बस देख लो, और एक झलक नहीं होता है, झलक बस याद कर लेना है। जैसे कि आप किसी चीज़ को फोकस के साथ नहीं देखते हैं, ऐसे सिर्फ देखते जाते हैं और कोई चीज़ आप लोग दिख जाती है तो वो याद रह जाता है झलक के तौर पर, ठीक है। अच्छा मैं वहाँ पर यहाँ ये देखी थी, ठीक है, या फिर मैं ये देखा था, तो झलक के तौर पर नहीं याद रह जाता। उसी तरह आप लोग को एक बार नज़र दौड़ा लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी पूछ दे इसमें से तो मालूम रहे कि हाँ हदीस का शायद अहादीस होगा, हाँ अहादीस देखा था, अहादीस में पढ़ा था या फिर पढ़ी थी, तो अहादीस लगाओ भाई, टिक, अहादीस होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को एक नज़र दौड़ा लेना है, झलक के तौर पर याद करना है कि मसला का, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा मसाइल तो मसाइल है ना, होगा ना, मसाइल लगा दो। सिर्फ का इसनाफ नसीहत का नसाए, फ़िक्र का अफकार, ठीक, हरकत का हरकत। तो इस तरह अगर देता है तो आप लोग बस याद नहीं करना है, माइंड में ऐसे रिवीजन के तौर पर ऐसे एक नज़र नहीं दौड़ा दिया जाता है, बस उसी तरह कर लेना है, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का उर्दू ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक था, वाहिद और जमा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चारों तरफ शेयर कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।